कभी सोचा है कि ये जादूगर कई घंटों तक हवा में कैसे बैठा हुआ होता है? मतलब यार, ये जादूगर सिर्फ एक लकड़ी के सहारे और नीचे बैठने के लिए कोई भी चीज नहीं होती है, तो ये जादूगर ऐसी मैजिक ट्रिक कैसे कर लेते हैं? मैं आपको बता दूं कि ये जादूगर एक खास मैग्नीशियम के सहारे बैठे हुए होते हैं, यानी इनके कपड़ों के अंदर ही चेयर होती है और हमें ऐसा लगता है कि वह हवा में बैठे हुए होते हैं, लेकिन असल में वह चेयर के सहारे बैठे हुए होते हैं। हैरानी होगी कि दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को खेल की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 70% जनसंख्या हर हफ्ते किसी न किसी खेल में भाग लेती है। नंबर 2, न्यूजीलैंड में सांप बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को सांप दिखता है तो उसे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना पड़ता है। नंबर 3, कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह सिर्फ हंसने के लिए 10 लाख रुपया एक एपिसोड के लिए चार्ज करती है। नंबर 4, पिछले साल किसी व्यक्ति ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को 30,000 करोड़ रुपए में बेचने के लिए OLX पर डाला था। नंबर 5, आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहे इतनी जल्दी अपनी संख्या बढ़ाते हैं कि सिर्फ 18 महीनों में 2 चूहों का परिवार 10 लाख का हो जाता है। नंबर 6, ATM का पूरा नाम क्या? बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, इससे ना आपका ज्यादा चालान कटने से बच सकता है। कुछ ऐसे यदि आपका वाहन का एक दिन का चालान कट गया है ना, तो आपका पूरा दिन फिर से चालान नहीं कट सकता है। अगर कोई आपको बोलता है कि चालान कटवाओ, तो आप लोग बताओ उसको कि देखो मेरा चालान कट गया है एक दिन का, आज नहीं दोबारा कट सकता है, फिर भी वो नहीं मानता है, तो आप लोग उसके ऊपर। अगर नंबर 1 फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ज्यादा परिचय की जरूरत नहीं होगी, तो चलिए देखते हैं रोनाल्डो का घर कैसा है। रोनाल्डो के घर में एंटर होते ही आपको एक डॉग नजर आएगा जो कि नकली है। जब आप अंदर चले जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक बड़ा सा हॉल जहाँ पर रोनाल्डो टीवी देखते हैं और अपना खाना भी खाते हैं। तो जब हम सेकंड फ्लोर पर चले जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा रोनाल्डो का बेडरूम जहाँ पर रोनाल्डो रात को रेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम रोनाल्डो के घर के पिछले हिस्से में जाते हैं तो हमें स्विमिंग पूल के साथ एक बड़ा सा प्लेग्राउंड भी नजर आएगा जहाँ पर रोनाल्डो फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोनाल्डो के फैन है तो कमेंट में जरूर। कभी सोचा है कि शेफ टोपी क्यों पाते हैं और उनकी टोपी लंबी क्यों होती है? दरअसल दोस्तों, इसकी कई वजह है। सबसे पहले एक शेफ टोपी इसलिए पहनता है ताकि जब वह खाना बना रहा हो तो उसे सर के बाल खाने में ना गिरे, जिससे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो और रेस्टोरेंट का नाम भी खराब ना हो। दूसरी वजह यह है कि जो शेफ की टोपी में 100 से ज्यादा अधिक फूल होते हैं, वह उसके 100 तरीकों से आमलेट बनाने को दिखाता है। और तीसरी वजह यह है कि यह टोपी शेफ के लेवल को दिखाती है, और हर शेफ की टोपी अलग अलग होती है और उनकी टोपी को भी चेंज किया जाता है। बोरवेल के अंदर ऐसा तो क्या गिर गया कि सभी लोग उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उस चीज को बचा पाएंगे या फिर नहीं? तो मिस्टर इंडियन हैकर की टीम को यह सूचना मिलती है कि इस बोरवेल के अंदर कुछ गिर गया है और उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही है। लग रहा है कि अंदर छोटा बच्चा गिर गया, लेकिन उसे बचाने के लिए मिस्टर इंडियन हैकर और बाकी लोग एक ऐसा रोबोट ले आते हैं जो कि अंदर गिर गए बच्चे को बाहर निकाल सकता है। तो यह रोबोट बोरवेल के एकदम नीचे जाता है, लेकिन क्या उस बच्चे को बचा पाएगा? तो रोबोट तुरंत ऊपर की तरफ आकर उस बच्चे को बचा लेता है। दरअसल यह एक डेमो वीडियो था इस रोबोट का, क्योंकि इस रोबोट की मदद से कुछ ही सेकंड के अंदर असली बच्चे को बचा सकते हैं। एक ऐसी रहस्यमय गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि अंदर खतरनाक शैतान हो सकते हैं या तो फिर अंदर भूत भी हो सकते हैं। लेकिन जब कुछ लोग इस गुफा के अंदर गए तो उन्हें अचानक दिखाई दिया कुछ ऐसा कि सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। ये गुफा है 300 साल पुरानी, लेकिन इसके नीचे एकदम क्या होगा ये आज तक किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि हो सकता है इसके नीचे राजा महाराजाओं का खजाना हो। लेकिन जब कुछ लोग इस रहस्यमय गुफा में जाते हैं तो शुरुआत में तो उन्हें कुछ भी चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन एकदम नीचे जाने पर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, बाकी कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। दोस्तों, क्या होगा अगर CR7 फुटबॉल खेलना छोड़ दे? तो CR7 हर साल फुटबॉल खेलकर 3,000 करोड़ से भी ज्यादा कमा लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि CR7 फुटबॉल छोड़कर गरीब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। CR7 फेमस फुटबॉलर होने के साथ ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। इनके CR7 के नाम से एक फैशन ब्रांड है जिसकी मदद से रोनाल्डो 1,000 करोड़ कमा लेते हैं, और 2 5-स्टार होटल है CR7 के नाम से। इन होटल से सालाना 1.5 करोड़ की कमाई हो जाती है। इसके बाद CR7 का नाइकी के साथ $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। वही CR7 के इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, और एक पेड पोस्ट का 12 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी CR7 के फैन हो तो हमें कमेंट